Next is contestant number 9, Yukti Sen. Let's shout Rampur! Contestant number 10, Prerna Nagi. Contestant number 12, Shweta Verma. Contestant number 14, Himani Khanna. Contestant number 15, Payal Dhiman. Contestant number 16, Shivani Jogra. Next is contestant number 7, Shivali Negi. झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने ऐसा कंटेस्टेंट नंबर 11 एपी सोनी उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा कंटेस्टेंट नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट टैग नंबर 5 सिमरन पटियाल और मिस बुशहर के ये हैं टॉप 10। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। और आज फाइनल राउंड है, तो फाइनल राउंड में क्वेश्चनिंग राउंड जो मुझे दिव्यांगना मैम द्वारा कहा गया है, बारी बारी एक एक कंटेस्टेंट के लिए एक क्वेश्चन होना है, 30 सेकंड्स में आपको उसका आंसर करना है। सो आई विल स्टार्ट विद कंटेस्टेंट नंबर 7 प्रेरणा नेगी, और आपका सवाल ये आप इसमें से निकाल दीजिए, देखते हैं आपके मुकद्दर में क्या आता है। जवाब के लिए माइक दे दीजिए इनको, मेरी रिक्वेस्ट है। भाई साहब आप मेरे साथ बने रहें, स्टेज पर कम ही नजर आते हैं। सबसे पहले तो नमस्ते जजेस एंड नमस्ते बुशहर। तो मेरा क्वेश्चन ये कि ऐसी क्या चीज है जो आपको डिफरेंट और यूनिक बनाती है? जी, तो इसका आंसर ये है कि मैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की हूँ और मैं एक क्रिएटिव लड़की हूँ, ऊपर से मैं फ्री माइंडेड हूँ, एक इंस्टाग्रामर हूँ, तो मैं जहाँ पर हिमाचली कल्चर को प्रमोट भी करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीजें मुझे यूनिक और डिफरेंट बनाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रेरणा के लिए जोरदार तालियां जी, आप साथ बने रहिए। नेक्स्ट इज कंटेस्टेंट नंबर 9 युक्ति सेन। ओके, इस तरफ है कंटेस्टेंट नंबर 9, अब अपना सवाल निकाले। और आपका मुकद्दर दिव्यांगना मैम ने यहाँ फिक्स कर दिया है, मुझे लगता बहुत लंबा सवाल है। इफ यू कुड, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, एक बार, इफ यू कुड टाइम ट्रेवल वेयर वुड यू गो, योर पास्ट और योर फ्यूचर एंड व्हाई? वेरी वार्म गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। जी, आई माइट साउंड क्लीशेड बट एज देयर इज दिस सेइंग, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज gift, that is why it is called present. I personally believe that I had a past that I have fully lived. I do not have any kind of regrets and I do not want to go into the past and neither I would like to go to future, because if I would know what was my future, if it is good, I will become lethargic, I would do not do anything, and if it was not good, then I'll be stressed or I might not do any kind of action. So in both the scenarios, I would like to stay in the present. Thank you so much. चलिए जी, present में रहना इनको पसंद।
मैं तो कहूंगा राहुल सोनी साहब अगर मिस्टर बुशहर करवाया होता तो आप भी स्टेज पर होते हैं और जरूर विजेता होते। नेक्स्ट इज कंटेस्टेंट नंबर 10 प्रेरणा नेगी और आपका सवाल आप ले लीजिए। इसमें से जो चाहे आपका मन करे वो चिट निकाल दीजिए और वो एक बार हमें दे दीजिए चिट, हम भी आपका सवाल देखें। व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? नमस्ते जजेस, हेलो रामपुर। मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो अगर मुझे मतलब कुछ करना हो, मतलब अगर मैं यहाँ से जीत के जाती हूँ, तो मेरा ये सबसे बड़ा सपना है कि मैं अपने फैमिली को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, उन्हें अच्छे, उनके लिए अच्छे मतलब उनकी ज़िंदगी दे सकूँ और उनके लिए मतलब उनकी बहुत ज़्यादा सेवा कर सकूँ। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि मैं अपने माँ बाप को खुश देख सकूँ। अरे वाह, सबसे बड़ा सपना माँ बाप की खुशी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा उनसे माइक आप ले लें, मैं अब यहीं खड़ा रहूँगा। नेक्स्ट इज कंटेस्टेंट नंबर 12 श्वेता वर्मा, अपना सवाल ले लीजिए। इसमें सारे सवाल हैं, आप चाहें तो जो आपका मन करे वो उठा लीजिएगा। और सवाल है आपका, फॉर मिस बुशहर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इशू फेसिंग योर जनरेशन? ये बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग ऑल द जजेस। माय आंसर इज कि आज की जनरेशन में जो सबसे ज्यादा फेस करने वाला जो इशू है वो कौन सा है? आज की जनरेशन जो यही सवाल है जी, आज की जनरेशन जो सबसे ज्यादा इशू फेस कर रही है वो है डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन में लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास स्कोप नहीं है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है कि हम आगे क्या करें। अगर कोई करना भी जाता है तो उन्हें आगे कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा। लोग 99% नंबर लाकर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसलिए आज की जनरेशन का जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा इशू है वो है डिप्रेशन। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा एक भाई था, उसने भी डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लिया। तो उस वजह से मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा जो इशू है वो डिप्रेशन ही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इज कंटेस्टेंट नंबर 14 हिमानी खन्ना, अपना सवाल ले लीजिए। बस जजीज, इसमें समय सीमा का कितना ख्याल रखना होता है जजीज? 30 सेकंड से ज्यादा अगर कोई बोलता है तो पॉइंट्स कटिंग। ओके मैम, ठीक है जी, चलिए आपका सवाल है जी। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? ये सबसे पूछा जाने वाला सवाल है, चलिए जवाब। नमस्ते रामपुर बुशहर, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ वेरी गुड इवनिंग, रिस्पेक्टेड गेस्ट, रिस्पेक्टेड जजेस एंड रामपुर बुशहर की प्यारी प्यारी जनता। तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? आई थिंक माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर मोमेंट्री एंड टोटली डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। अगर आज मेरे माता पिता मेरी स्ट्रेंथ है तो कल वो मेरी वीकनेस भी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इट टोटली डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर मोमेंट्री। थैंक यू सो मच हिमानी खन्ना। नेक्स्ट इज कंटेस्टेंट नंबर 15 पायल धीमान, पायल अपना सवाल ले लीजिए। आपके पास दो आए थे, आपने एक चुना है, इसको वापस रख दीजिए, चलिए जी। What are the best qualities a parent could show, share with their children and why? माँ बाप की ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनको अपने बच्चों के साथ उनको शेयर करना चाहिए और क्यों? क्या मैं सही कह रहा हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए। थैंक यू सो मच जजेस एंड हेलो एवरीवन। मेरा जो क्वेश्चन जो आया है मुझे थोड़ा सा आगे हो जाए, रवीज सर का कहना है, वो सामने देखें आपको बोलते हैं। सर रिपीट करेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन था पेरेंट्स को ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए और क्यों? सर आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स हैं सर, उनको जो अपने हमें जो शिक्षा वगैरह देते हैं, उनको जो है हमें
हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ जो है हमें आगे जनरेशन को जो है बताते हैं कि हमें अच्छा बुरा जो है वो कैसे प्रेटेड करना है। तो थैंक यू सो मच सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल बहुत जल्दी लपेटा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज कंटेस्टेंट नंबर 16 शिवानी, अपना सवाल ले लीजिए। आज आप भी मेरे साथ बढ़िया जिम्मेदारी निभा रहे हैं, थैंक यू। नेक्स्ट, क्या सवाल था जी आपका? रोल मॉडल कौन है? क्या सवाल यही है? माइक दे दीजिए इनको। आपका रोल मॉडल कौन है? गुड इवनिंग, हैव अ वंडरफुल पीपल, माय नेम इज शिवानी। माय रोल मॉडल इज माय मॉम, बिकॉज शी इज माय बिगेस्ट सपोर्ट, शी ऑलवेज सपोर्ट मी। शी इज अ सिंगल पेरेंट एंड शी हैज सैक्रिफाइसेस लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर मी एंड आई लव हर वेरी मच। अरे वाह, आपकी मम्मी आपकी रोल मॉडल। नेक्स्ट है शिवाली नेगी, कंटेस्टेंट नंबर 17, सवाल ले लीजिए। शिवाली के चाहने वाले बहुत लग रहे हैं मुझे। चलिए सवाल क्या है? इफ यू हैड 2 आवर्स लेफ्ट ऑन अर्थ, व्हाट वुड यू डू? अगर 2 घंटे बच गए जिंदगी में जमीन पर तो क्या करोगे? मैं तो दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा। थैंक यू सर। नमस्ते बुशहर। नमस्ते जजीर, स्वागत है आपका हमारे रामपुर बुशहर में। तो अगर मेरे पास 2 घंटे बचते हैं तो वो मैं अपनी फैमिली को दूंगी, क्योंकि मेरा मानना है मैं अपनी फैमिली को अपनी दुनिया मानती हूँ। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं लास्ट के 2 घंटों में अपनी फैमिली के साथ अपनी दुनिया के साथ जी रही हूँ। थैंक यू सो मच। अरे वाह। नेक्स्ट इज कंटेस्टेंट नंबर 11, एपी सोनी, अपना सवाल ले लीजिए। आपके पास तो 2 ही मौके रह गए, एक आपको चुनना है, एक दूसरे को जाएगा। चलिए जी, सवाल क्या है? अच्छा जी, व्हाई आर यू द बेस्ट चॉइस टू बी क्राउन्ड द क्वीन इन दिस पिजन? इस बड़े पिजन की क्यों आपको चुना जाना चाहिए क्वीन, ये पूछ रही है दिव्यांग जी। अगर आपकी आंखें खूबसूरत है तो आपको ये जहां खूबसूरत लगता है, अगर आपकी बातें खूबसूरत है तो पूरे जहां को आप खूबसूरत लगते हो। नमस्कार, अदाब, सत श्री अकाल, रामपुर बुशहर। मेरा सवाल है कि मुझे क्यों यहां पे होना चाहिए और मुझे क्यों पेजेंट के क्वीन होना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि इस मंच पे उपस्थित हर एक लड़की होनहार है और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक ऐसी महिला पीढ़ी से हूँ जो साथ मिलकर आगे चलने पे विश्वास रखती है, जो किसी को पीछे खींचने पे नहीं बल्कि हाथ में हाथ डालकर आगे चलने में विश्वास रखती हूँ। अगर अपनी विशेषता बताऊं कि मैं इस पेजेंट की क्वीन क्यों बनना चाहती हूँ, तो सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मेरी नेतृत्व कला, वो मेरे कौशल में मुझे लगता है कि मैं निपुण हूँ, इसीलिए मुझे पेजेंट क्वीन बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, आप हिंदी भी बहुत अच्छा बोलती हैं। नेक्स्ट इज सिमरन पटियाल, कंटेस्टेंट नंबर 5। चलिए अब आप अपना सवाल, मुझे लगता है ये भी आप अपने साथ लेके जाना। इसमें क्वेश्चन दिव्यांगना मैम है नहीं। अब रवि सर, अब आपकी बारी है सवाल पूछने की। मैं तो चाहता था कि एक आपके पास भी माइक दे दीजिए रवि सर को। पूछ लीजिए रवि सर, सवाल पूछ लीजिए। आ तुमको मुंबई से आने वाला है सवाल। चलिए रवि सर। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? जीवन क्या है और उसकी क्या परिभाषा है आपके अनुसार? गुड इवनिंग एवरीवन, मायसेल्फ सिमरन पटियाल। थैंक यू जजेस एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से लाइफ एक ऐसी चीज है जिसको हमें खुलकर जीना चाहिए। कभी भी ऐसे फील नहीं करना चाहिए कि हमारी लाइफ कैसी है कैसी नहीं, घर से कैसे है या कैसे नहीं। हम आपको लाइफ अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। टॉप 10 और कौन बनेगा विजेता वो तो वक्त बताएगा। मैं चाहूंगा लेट्स प्ले द म्यूजिक और बाय बाय। ये मंच आपको कह रहा है अलविदा। आप में से कोई एक होगा विजेता। सिडुला गा